क्या क्रिश्चियनिटी एक फॉरेन रिलीजन है, इसीलिए हमें एज ए इंडियन अवॉइड करना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जय मसीह, मैं आज सिराय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मुझे बहुत समय पहले एक व्यक्ति ने ये ऑब्जेक्शन दिया कि क्यों वो क्रिश्चियन नहीं है। उसका वजह उसने बताया कि क्योंकि ये विदेशी धर्म है। मान लीजिए उसी व्यक्ति को एक ऐसा बीमारी हो जाता है, टर्मिनल इलनेस, यानी कि जिसका इलाज नहीं, उस समय बाद में पता चलता है कि उस बीमारी का इलाज एक अमेरिकी डॉक्टर ने खोज लिया है। अब ये व्यक्ति क्या ये कहेगा कि अरे ये इलाज का खोज तो एक विदेशी डॉक्टर ने किया, तो इसीलिए मैं इससे इलाज नहीं करूंगा, इसका ट्रीटमेंट को मैं नहीं लूंगा? क्या ये वो कहेगा? नहीं, वो ये चाहेगा कि उसका जान बच जाए और किसी भी हालत में उस अमेरिकी डॉक्टर का इलाज इसे मिल जाए। देखिए, मसीहत को समझने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का मरो में से जी उठना और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण से पहले जो कमीशन किया, इन सभी को जब आप स्टडी करोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं इस जाति के लिए, सिर्फ इस देश के लिए ही आया हूं। उनका क्लेम जो है यूनिवर्सल है, जी हाँ, मानव जाति के लिए। जब आप वचन पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण से पहले उन्होंने क्या कहा, जाओ सारे देश के लोगों को चेला बनाओ, यानी कि एंड्स ऑफ द अर्थ, हर कोने में जाओ, ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा था। और दूसरा, जब वो कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, सत्य हर एक देश, हर एक जाति के लिए सत्य सत्य होता है, जीवन हर एक जाति के लिए जीवन जीवन होता है, और मार्ग हर एक जाति के लिए मार्ग मार्ग होता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो क्लेम है यूनिवर्सल है, इट्स यूनिवर्सल। उनका जो शिक्षा था वो यूनिवर्सल है, कोई पर्टिकुलर इज़राइल देश के लिए ही सिर्फ नहीं। और दूसरा, जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, वचन साफ डिक्लेयर करता है कि वह जगत के पाप के लिए मरे। अब जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को पढ़िए, वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, यानी कि उनका जो मृत्यु था, वचन साफ करता है कि इट वाज फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर एनी रेस, नॉट फॉर एनी नेशन, सारे जगत, सारे मानव जाति के लिए वो पापों का बलिदान हुए, किसी एक जाति के लिए नहीं। तो इट वाज यूनिवर्सल फॉर ह्यूमैनिटी उनका मृत्यु जो है। और तीन नंबर में उनका पुनरुत्थान, यानी कि मौत से वो जो विजय हुए, कोई भी आज तक मौत को हरा कर वापस नहीं आया। कोई भी आप बोलिए, चाहे हिस्टोरिकली अगर आप मोहम्मद को बोले, वो मर गए, दफन हो गए, वहीं पर रह गए। बुद्धा को बोलिए, वो मर गए, दफन हो गए, वहीं पर रह गए। केवल यीशु मसीह ही मौत को हरा कर जिंदा होने वाले हमारे प्रभु हैं, हमें पाप से बचाने वाले, हमें मृत्यु से बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, जो मौत को हरा कर जिंदा हुए। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज हमारे पास में आई विटनेसेस का अकाउंट है, वचन डिक्लेयर करता है उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को मरो में से जी उठाला देखा। इसीलिए आप हिस्टोरिकली टेस्ट कर सकते हैं यीशु मसीह का मरो में से जी उठाला ये इवेंट को, बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस को यीशु मसीह के मरो में से जी उठाला। और चार नंबर में देखिए, प्रभु कोई टाइम स्पेस ज्योग्राफी पे आप लिमिट करके नहीं रख सकते, किसी कल्चर में आप लिमिट करके नहीं रख सकते। वचन कहता है प्रभु ने ही सारे दुनिया को बनाया, प्रभु ने ही देश देश को बनाया, तो गॉड इज द वन हु कंट्रोल्स, ही इज सोवरेन। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, तो इसीलिए उसको टाइम स्पेस ज्योग्राफी कल्चर में आप लिमिट करके नहीं रख सकते, is beyond all this। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, वचन डिक्लेयर करता है, जो कोई भी उनको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता मालिक के रूप में स्वीकार करेगा, जो कुछ भी उनका बलिदान, उनका जो हमारे पापों का सजा के लिए जो मरे, अगर उन्हें विश्वास करके एक्सेप्ट करेगा, उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, और ये वचन डिक्लेयर करता है। इसीलिए आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्टिमनी देखोगे हर एक जगह, हर एक देश, हर एक जाति से। तो कोई ये अमेरिकी गोरा, ये इसका धर्म नहीं है। और ट्रेडिशन कहता है कि सेंट थॉमस, यानी कि जो 12 चेलों में से एक थे, वे इंडिया आए, तो उनका जो संदेश था सारे जगत के लिए,
आशा का संदेश, मुक्ति का संदेश, स्वराज का संदेश सभी मानव जाति के लिए, कोई भी देश का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जगह से हो, मैटर नहीं करता। इट इज फॉर ऑल ह्यूमन। तो जिस प्रकार से एक लाइफ सेविंग जो क्योर है, यानी कि जो इलाज है, कौन डॉक्टर है, कहाँ से है, उसे मैटर नहीं होता, जीवन बचना चाहिए उसी में मेन कंसर्न है। उसी प्रकार से अनंत काल के लिए, यानी कि स्वराज के लिए, यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, वचन कहता है। तो इसीलिए आप ये मत कहिए कि ये धर्म यहाँ से है, वहाँ से। अगर आप यही आर्गुमेंट यूज करोगे तो आर्यंस भी बाहर से आए। आज तो जेनेटिक डीएनए स्टडी, हार्वर्ड साइंटिस्ट का जो डीएनए स्टडी में तो और भी पुष्टि कर दिया, जो थ्योरी जो आर्यंस बाहर से आए हैं उसको पुष्टि कर दिया, यानी कि हिंदुइज्म ऑल्सो फ्रॉम फॉरेन, क्योंकि आर्यंस बाहर से आए। तो परमेश्वर समय, कल्चर, ज्योग्राफी इससे ऊपर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। धन्यवाद आखिर तक ये वीडियो को देखने। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। धन्यवाद आखिर तक देखने। गॉड ब्लेस यू।